Hello friends, I am Ruthi Bodia from JN Tutorials and we have with us Siddharth Duggar, a student of MCKV and our institute JN Tutorials, who has done a commendable job in class 12 with a marks of 100 in accountancy and economics 100. Isn't it great? चलिए हम और देरी नहीं करते हैं और सीधे सिद्धार्थ से बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं आपसे. सो सिद्धार्थ, हाउ आर यू फीलिंग? मतलब ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फॉर यू एंड योर फैमिली कि ऑल इंडिया रैंक सेकेंड आना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. आपको कैसा फील हो रहा है, प्लीज बताओ. सो मीन्स इट्स अ टोटली अ सरियल फीलिंग. मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा मार्क्स आएगा. एंड द हैप्पीनेस व्हिच इज बीइंग सीन ऑन ऑल द फेसेस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, teachers, tuition teachers and all, means all the people who are associated with me adds to my happiness. तो मतलब ऐसा खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता. So that's all. That's a very good thing, Siddharth. Siddharth, मेरा एक question था कि बहुत students है ना exam के time, जब exam दे रहे होते हैं तब बहुत time है ना वो लोग panic कर जाते हैं. मतलब even if they know everything, they know the answers, बट उनका क्या हो जाता है ना, उस सिचुएशन में ना काम नहीं रहते, वो लोग पैनिक कर जाते हैं, उस वजह से क्या स्कोर नहीं कर पाते पूरा जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते. सो आपका जैसे अकाउंट्स में 100 आया है, इकोनॉमिक्स में 100 आया है, सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग. तो आपका उस टाइम की क्या है, आपको आप क्या मैसेज देना चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स को जो इस साल अपियर करेंगे बोर्ड एग्जाम? सो आप क्या बताना चाहते हो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा रखना चाहिए स्टूडेंट्स को? सो मतलब बोर्ड्स एग्जाम लाइक ISC और CBSE, वॉट एवर यू आर गिविंग, इट इज़ अ इम्प्लाइड प्रेशर. वैन यू आर इन एग्जाम हॉल, एक प्रेशर एट द बैक ऑफ माइंड हमेशा रहेगा कि बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हैं एंड इट मैटर्स लॉट फॉर योर कॉलेज एडमिशन एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ. तो एक इम्प्लाइड प्रेशर रहेगा, तो इट इज़ बाउंड डैट यू विल गेट नर्वस. बट थोड़ा सा मतलब थ्रू आउट द 12 यू शुड नो दैट हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स अ लिटिल. यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल होल ऑफ योर नर्व्स विच वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग एट दैट मोमेंट, पर थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है. और एकदम काम माइंड से एग्ज़ाम को देना, एग्ज़ाम के पहले 10 मिनट पहले से मतलब किसी से बात ज़्यादा नहीं करना है. एकदम शांति से अपने मतलब बेंच पे यू आर सिटिंग एंड दैट्स ऑल. एंड एज सून एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, यू शुड स्टार्ट एनालाइजिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड कीप द मीन्स क्वेश्चंस इन योर माइंड. एंड द वन ऑफ द थिंग्स विच वर्क फॉर मी वॉज दैट एज सून एज द राइटिंग टाइम गॉट मीन्स गेट स्टार्टेड, so I used to note down the things which I could forget. I knew many things that I can forget these things because I had been learning it from many a times, but I couldn't learn. So I knew that I might forget after 3 hours or whenever I would be writing that question. So I used to note down at the back of my answer sheet. So even if I forget, then it is written at that moment. Wow, that's a very good trick, Siddharth. मतलब everyone should try that कि अगर आप question कुछ उस moment में आपको याद नहीं आ रहा है, so you should be according to you कि वन शुड बेसिकली मूव टू द अनदर क्वेश्चन एंड वो एक बार स्किप कर दे, बाद में जब याद आए तो वो लिख दे. दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक. सिद्धार्थ, आपको मालूम ही होगा कि अभी यंगस्टर्स, आप भी यंगस्टर हो, तो ये फ़ोन से दूर रख पाना अपने आप को बहुत ही मुश्किल टास्क है, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे. तो आपका मोटो क्या है, आप क्या सोशल मीडिया के लिए मैसेज देना चाहते हो यंगस्टर्स को? तो मीन्स बिफोर बोर्ड्स 4 to 5 months थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम कम करते जाना है. जैसे इफ़ यू आर स्पेंडिंग 4 to 5 hours अ डे ऑन सोशल मीडिया, 4-5 से धीरे धीरे करके 2-1 तक लाया जा सकता है. तो एट द टाइम ऑफ द बोर्ड्स मीन्स बिफोर 1 month यू विल बी एट द स्टेज वेन यू आर यूजिंग 1 hour पर डे. सो दैट्स कम्प्लीटली फिजिबल, फिर क्योंकि टोटली कम्प्लीटली कट ऑफ होना पॉसिबल नहीं है अब इस स्टेज पर. तो थोड़ा थोड़ा कम करते करते एट द लास्ट स्टेज इतना कम हो जाएगा कि यू कैन मैनेज योर स्टडीज एज वेल एज सोशल मीडिया. सो इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू सिद्धार्थ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट. वी आर प्राउड ऑफ यू. जैन ट्यूटोरियल्स गौतम सर इज प्राउड ऑफ यू, ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर ऑब्वियसली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू गौतम सर एंड रिद्धि दी फॉर देयर गाइडेंस थ्रू आउट द जर्नी इन JT, एंड वंस अ JTN ऑलवेज अ JTN.